मैं खुद बेस्ट डील टीवी को ओन करती हूँ और इसके बावजूद मैं आई हूँ नो टीवी डे को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि ये जो वॉकहार्ट ने इनिशिएटिव लिया है वेलनेस प्रमोट करने का और हेल्थ को प्रमोट करने का, मुझे लगता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. और एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री एंड समबडी हु रियली वैल्यूज हेल्थ, एक कैटलिस्ट बनना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए. तो मैं बहुत हंसी खुशी आई हूँ जहाविया को अपना सपोर्ट दिखाने. और हाँ, मुझे लगता है कि अगर एक ऐसा दिन है जहाँ पे हम बोल रहे हैं कि नो टीवी डे, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न भी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास टाइम नहीं होता, लेकिन टीवी देखने के लिए बहुत सारा टाइम होता है. और आई थिंक समटाइम्स इट्स नाइस टू जस्ट बी इंट्रोस्पेक्टिव, टू जस्ट टेक सम टाइम आउट, जस्ट टू बी यू नो कनेक्टेड विद नेचर. और सबसे ज़्यादा तो जो खाते वक्त टीवी देखते हैं वो सबसे बुरी बात है, तो मैं उसे बिल्कुल ही प्रमोट नहीं करती. और आज के दिन ही नहीं, आई जस्ट थिंक कि किसी भी दिन पे खाते वक्त टीवी नहीं देखना चाहिए और अपने बच्चे को भी नहीं दिखाइए, क्योंकि उसका जो डाइजेशन प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है. ओके, लाइक यू सेड, इट्स अ टीवी डे एंड नो टीवी डे, एंड वी लाइक चिल्ड्रंस यूजुअली टेंड टू वॉच कार्टून नेटवर्क्स एंड मोस्टली हैविंग फूड. यस, सो हैव यू एक्सपीरियंस एनीथिंग विद मियान, लाइक यू हैव टू से नो, नो टीवी टुडे? वी डोंट एवर फीड हिम फूड विद द टीवी ऑन, वी डू नॉट. एंड ही इज ओनली अलाउड टीवी on Sundays and sometimes on Saturday evenings because उसका holiday है. तो वो अभी उसको पता है कि मम्मा पापा अभी allow नहीं करेंगे TV और किसी दिन पर, because he sleeps at 8:39, you know. और हाँ, वो जिद करता है, या आप parents को क्या tip देना चाहोगे, क्योंकि children usually सुनते नहीं है. लेकिन हम parents हैं तो बच्चों को कुछ पता नहीं होता, जो हम लोग सिखाएंगे वही बच्चे सीखेंगे. तो अगर हम लोग बैठ के टीवी देख रहे हैं और खा रहे हैं तो उनको भी लगेगा कि ये सही चीज़ है. तो आई रियली थिंक कि पहली बात तो टिल द एज ऑफ 5 प्लीज़ डोंट शो योर किड्स एनीथिंग अग्रेसिव, एंड यू नो बिकॉज दैट डेफिनेटली वर्क्स ऑन द ब्रेन. बच्चों को पता नहीं है टू डिवाइड, यू नो हाउ टू सेग्रीगेट बिटवीन व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग एंड व्हाट्स रियल एंड व्हाट्स प्रिटेंड. एंड ये हादसा मेरे साथ भी हुआ है, यू नो बिकॉज वियान को अवेंजर्स बहुत पसंद थे और ही वॉज गेटिंग वेरी अग्रेसिव. और हमने डिसाइड किया, हमारे प्रिंसिपल ने हमसे कहा कि यू नो इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग टू डू दिस टू अ चाइल्ड बिफोर द एज ऑफ 5, बिकॉज देन ही अंडरस्टैंड्स द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग. सो इट्स माई एडवाइस टू ऑल दोज पेरेंट्स हु डोंट नो दिस. वी माइट थिंक अरे बच्चा है कुछ नहीं है, लेकिन हम तो अच्छे खासे ठीक ही हुए हैं अभी ना. आई थिंक वी हैव टर्न्ड आउट रियली वेल विदाउट टू मच टीवी इन आवर लाइव्स. एंड आई एम श्योर व्हेन यू वर अ चाइल्ड, आई डोंट थिंक योर पेरेंट्स आल्सो शोड यू दैट मच टीवी. और जो कार्टून्स तब दिखाते थे टेलीविजन पे और जो अब देखते हैं हम, बहुत ही अग्रेसिव है मुझे लगता है नेचर में. और उसे हम लोगों को इनकरेज नहीं करना चाहिए हमें हमारे बच्चों के साथ, क्योंकि उनको बेटर पता नहीं है. Lots of activities are going around for no TV day. Many children are participating in that. Will we see Vyan participating in any of the activities this 2 days? No. Vyan is very busy with his social life, with his birthday parties. Or no. He will not be part. Okay, but you should know that, as you have told us, that we Indians go every thing in Western people. आईने से देखने की आदत पड़ चुकी है, क्योंकि अपने पास इतना कुछ है. वो लोग हमको सिखा दे कि अरे आपके पास इतना सारा चीजें हैं, आप उनकी तरफ क्यों, ये प्रोस्पेक्टिव हम चेंज नहीं कर सकते, अपना माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते. मैंने कोशिश की है अपने बुक के थ्रू, द ग्रेट इंडियन डाइट, जो अभी लिखा है हमने और अभी नंबर 1 पोजिशन पे है पिछले 2 हफ्तों से. तो मुझे लगता है कि लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो जानते नहीं है इसके बारे में. तो अगर ब्रांड एम्बेसडर नहीं है इस चीज का, ये दिखाने के लिए, क्यों मैं हूं ना द ग्रेट इंडियन. ओके, सो शिल्पा, वी ऑल नो दैट स्ट्रेस अफेक्ट्स आवर लाइफ एंड अफेक्ट्स आवर हेल्थ. सो यू नो यू आर अ बिजनेस वुमन राइट नाउ, सो हाउ डू यू हैंडल योर स्ट्रेस लाइफ एंड यू नो बैलेंस योर हेल्थ? सी, इट्स हाउ यू, व्हाट योर पर्सपेक्टिव इज अबाउट स्ट्रेस. एंड इफ यू स्ट्रेस अबाउट स्ट्रेस, and there are some people who stress about not having stress. Kya re stress nahi hai aaj.
I just think that whatever in life happens, happens for a reason, and that reason is for the best. So if you know that at the back of your mind, wo mere zindagi ka mantra raha hai. To buri se buri cheez ho, achhi se achhi cheez ho, usko bhi jana hai. Or you know, that's how life is going to be. So you have to just be who you are with a positive approach and with gratitude that you have good health. Okay, that's most Shubha, important. Being an actress and business woman, aapko bahut travel karna padta hai. So aap us time pe apni diet ko kaise maintain karte hain? Dekhiye, zindagi mein agar aapko kuch bhi karna ho, agar aap sachche man se karna chaho aur agar dedication ho, to aisa kuch nahi hai jo aap achieve nahi kar sakte. तो आप कहीं पे भी जा रहे हैं, आप ऐसी जगह तो जा नहीं रहे हैं जहाँ पे खाना अवेलेबल नहीं होगा. चॉइसेस हैं आपके पास, तो उन चॉइसेस में आप क्या चूज करते हैं वो आप पर निर्भर है. तो आई जस्ट थिंक यू हैव टू बी हैव द सेंसिबिलिटीज टू नो व्हाट टू चूज. और उसके लिए अगर आपको नॉलेज चाहिए तो प्लीज बाय द ग्रेट इंडियन डाइट. ओके, सो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज यहां पे शिल्पा जी आप यहां पे प्रेजेंट हैं और कितना सपोर्ट करती हैं आपकी और टीवी जैसे इनिशिएटिव को? क्या तो आई थिंक बुखार हॉस्पिटल इसीलिए हिंदुस्तान टाइम्स के साथ पार्टनर किया है नो टीवी डे के लिए. हालांकि हम अस्पताल हैं, हम पेशेंट्स पे थ्राइव करते हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि पेशेंट्स बीमार पड़े. सो आर ऑब्जेक्टिव इज़ दैट लाइफ विंस, यू शुड बी हेल्दी. एंड आई थिंक द ethos ऑफ रियली शिल्पा's बुक एज वेल एज ऑफ आर हॉस्पिटल इज़ टू रियली सिंप्लीफाई थिंग्स. यू नो, आई थिंक कीप इट सिंपल. आई थिंक वी हैव टू गो बैक टू डूइंग बेसिक थिंग्स टू you know, just carve out time for yourself. Often now, वक्त नहीं रहता है हमारे खुद के लिए. We're more busy about other things, other people, or even our own aspirations sometimes. So I think the purpose is that we should all remember life wins, and for life to win, for your own life or for the lives of others that we try to save every single day, got to keep things simple and really not forget the basics that Shilpa ji ek jana chahiye kal Yusuf sahab ko Dilip sahab ko Padma Bhushan diya jane wala hai. Oh, mujhe pata nahi uske bare mein, kyunki aaj to TV day hai to maine TV dekha. No TV day. Nahi, par ye bahut bada mauka hai unke liye. Rajnath sahab jo apne नहीं, कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ मैं उनको, लेकिन आज का जो दिन है वो किसी खास वजह से है, तो हम उस पर ज़रा कॉन्सेंट्रेट करें. ही इज़ अ लेजेंड एंड जितना भी वो अर्न कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एक्लेड्स वो कम है. ओके सो शिल्पा, परिणीति हैज डन, इज शी इन्वॉल्वड इन नो टीवी डे? नो, बट इट्स फिटनेस, इट्स रिगार्डिंग फिटनेस, इट्स रिगार्डिंग फिटनेस. रिड्यूस्ड हर, आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर. हाउ डू यू फील दैट यू नो पीपल आर गेटिंग, द एक्ट्रेसेस आर गेटिंग इनटू फिटनेस एंड ऑल दैट? नाउ तो एवरीबॉडी इज फिट. इफ यू सी आई, व्हेन आई जॉइंड द इंडस्ट्री इट वाज रेयर टू सी एक्ट्रेसेस हु आर यू नो इनटू वर्किंग आउट. They were either, I mean, they either they had a great body and at that time, so they wanted, अरे यार थोड़ी सी हरी भरी होनी चाहिए. ठीक है ना, ऐसे सूख के तुम लोग टूथपिक जैसे लग रहे हो. सो आई मीन, आई हैड प्रोड्यूसर्स हु वांटेड मी टू पुट ऑन वेट, बट आई थिंक नाउ टुडे वी रीच्ड अ टाइम दैट पीपल आर अवेयर ऑफ यू नो हाउ टू बी फिट, एंड देयर सो मेनी वेज यू कैन बी फिट. सो आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टू ब्रिंग अवेयरनेस टू द फैक्ट दैट whether you have time or not to do any kind of fitness regime, you can actually improve your health with a good diet. That is most important for people to understand. Yeah. Guys, last question please. Yeah, your book says breaking the fat Indian myth. So you want to elaborate on it and, you know, busting the fat myth. It means, see, some people think that, oh, we're fat and it's very difficult to lose this weight. And there's some people who have the myth about Indian food being fattening. So I've kind of tried to bust and kind of try to make it very simple for people to understand in simple language that it is very easy. And the first preconceived notion about Indian food being fattening is wrong. So we can actually use the spices to our benefit to lose weight. And how valuable coconut oil is and how valuable ghee is,
in Indian food and for people. I feel this generation has forgotten about the uses and the value of those properties. Any upcoming project? I'll tell you in my next press conference. अबे जून जो ग्रुपिंग में दो चले ले जल्दी क्या मैं आ रहा है मुझे धक्का मारो सी अबे बन ए वैसे नहीं लगा हाँ इधर